दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हॉरर आइना एंटी डिसेंट्री क्यू मेडिसिन, जिसे हम कुर्सी के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये एक इंडियन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका जो प्लांट होता है बहुत ही सुंदर सा होता है, इसके सुंदर से फ्लावर होते हैं व्हाइट कलर के। इस मेडिसिन की यदि एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन हमारे डाइजेशन पर बहुत ही अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ही अच्छा एक्शन है। और इसकी यदि प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये एक एंटी और डिसेंट्री मेडिसिन है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, ये एंटी अमेबिक मेडिसिन है। ये काफी इफेक्टिव है एनी टाइप ऑफ इंफ्लेमेशन की कंडीशन में, एनी टाइप ऑफ लूज मोशन की कंडीशन में। कुर्ची मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि इसके साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो यदि जिन लोगों को डायरिया, डिसेंट्री या लूज मोशन की या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर होता है। जिन लोगों को डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है या पैचेस की प्रॉब्लम होती है या फिर डायरिया की प्रॉब्लम होती है, इन केस ऑफ समर में ज्यादातर आपको आंव की प्रॉब्लम देखने मिलती है, पैचेस की प्रॉब्लम देखने मिलती है। यदि किसी को पेट में गैस बन रही हो और साथ ही साथ उसको आंव की प्रॉब्लम हो रही हो, उसके यदि स्टूल की बात करें तो स्टूल में आपको आंव की मात्रा, म्यूकोस मात्रा बहुत ज्यादा देखने मिलेगी, साथ ही साथ उसको ब्लड भी देखने मिलेगा और उसको गैस वगैरह भी देखने मिलेगी। यदि जो पेशेंट है वो गैस वगैरह पास करके आ रहा है, स्टूल पास करके आ रहा है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में कुर्ची मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है, जिसका पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा बेचारा कमजोर हो जाता है, बिकॉज अब जिन लोगों को आंव पड़ती है उनकी जो बॉडी होती है ना एकदम डिहाइड्रेशन टाइप में चली जाती है, एकदम वो कमजोर से हो जाते हैं, अंदर से उनको ना कपकपाहट टाइप की महसूस होने लगती है, ग्राहट टाइप की भी महसूस होने लगती है, बहुत ही ज्यादा बेचारे कमजोर टाइप के हो जाते हैं। तो कुर्ची मेडिसिन वहां पे बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और या फिर एनस में से ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वहां पे भी कुर्ची मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है, आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिसेंट्री की कंडीशन में आप बायो कॉम्बिनेशन 9 का भी यूज कर सकते हैं। ये बायो कॉम्बिनेशन 9 भी काफी इफेक्टिव है। यदि कुर्ची क्यू मेडिसिन को यूज करने की बात करें तो इसे आप जब भी आपको डायरिया, डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, आंव वगैरह पड़ती है या फिर आपको आईबीएस वगैरह की प्रॉब्लम है, यदि एक्यूट केस है तो आप वहां पे एक कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप आप दो तीन तीन घंटे में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। और यदि आपको क्रॉनिक आईबीएस की प्रॉब्लम है तो इसे आप 15 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज करें। और जो बायो कॉम्बिनेशन 9 है, यदि आपको आंव पड़ रही है, आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो रही है, पैचेस वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आप बायो कॉम्बिनेशन 9 का यूज कर सकते हैं। इसे आप 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।